सो गाइज, इस वीडियो में हम ये एक ऑनलाइन कोर्स सेलिंग वेबसाइट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस वेबसाइट्स को जो है, पूरी की पूरी वेबसाइट को एक दूसरे डोमेन पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि दूसरे वर्डप्रेस में हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा है digitechagency.in की वेबसाइट्स है, और इसका जो पूरा कंटेंट है, जो भी कंटेंट है, जो भी होम पेज है, जो भी इसके अंदर में प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे एक न्यू वर्डप्रेस साइट में हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। और सिंपल, इसको एक क्लिक में ये होने वाला है, ठीक है। तो अभी उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे इस वेबसाइट के एडमिन पैनल में। सबसे पहले जिस वेबसाइट को आपको ट्रांसफ़र करना है, उस वेबसाइट के एडमिन पैनल में आपको जाना है। यहाँ पे आपको एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको प्लगइन के अंदर में आना पड़ेगा और ऐड न्यू प्लगइन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है अपड्राफ्ट। यहाँ पे आपको अपड्राफ्ट को सेलेक्ट सर्च करना है, और अपड्राफ्ट को जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट प्लगइन आ जाएगा अपड्राफ्ट का। बेसिकली इस प्लगइन का काम ही होता है अपने आपके वेबसाइट का बैकअप लेना और उसको दूसरे वेबसाइट पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप इस प्लगइन के माध्यम से आप बैकअप लेकर के आप अपनी वेबसाइट का बैकअप लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कोई कभी आपके वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आता है तो उस बैकअप फाइल को से आप अपनी वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं। तो अभी हम इसको हम यहाँ पर करेंगे एक्टिव। अपड्राफ्ट का प्लगइन यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, और उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग के अंदर में, और यहाँ पे आपको अपड्राफ्ट प्लस बैकअप का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे बैकअप पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमें इस साइट का बैकअप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे बैकअप नाउ कर दीजिए। तो ये कुछ समय लेगा आपके पूरे वेबसाइट का बैकअप बनाने में, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, ये जो है हमारी पूरी वेबसाइट का यहाँ पे बैकअप यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ पे अलग अलग इन्होंने बैकअप बनाया है, डेटाबेस, प्लगइन, थीम। हमें इस सभी फाइल को यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, और प्लगइन, थीम, और उसके बाद यहाँ पर अपलोड मल्टीपल प्लगइन्स और अदर्स, इन सभी पे हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और इसको हम एक एक करके यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक एक करके इसको हम कंप्यूटर में इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना बैकअप फाइल लेकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, 6 फाइल हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। तो 6 फाइल डाउनलोड यहाँ पे करने के बाद अब हम जाएंगे एक न्यू वर्डप्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हमने एक न्यू वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, और इसका अगर यहाँ पे डोमेन नेम देखेंगे तो यहाँ पे course.digitech.in है, मतलब इसको हमने एक सब डोमेन पे यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसमें भी आपको उस प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब माइग्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपड्राफ्ट का प्रो प्लगइन यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप बैकअप लेकर के रखना चाहते हैं और उस बैकअप को सिर्फ इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे फ्री प्लगइन में काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे, मेरे पास अपड्राफ्ट का प्रो प्लगइन है, तो हम इसे अपड्राफ्ट का यहाँ पे चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे और इस प्लगइन को हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो हमारा जो प्रो वाला प्लगइन है, उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, और ये कुछ समय में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, और इसे हम यहाँ पे एक्टिवेट करा लेंगे। तो ये प्लगइन हमारा यहाँ पे अपड्राफ्ट का जो है, वो प्रो प्लगइन यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से जाएंगे सेटिंग के अंदर में, और अपड्राफ्ट प्लस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और अब की बार यहाँ पे हम बैकअप यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपलोड बैकअप फाइल पे यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जो भी आपने फाइल को यहाँ पे बैकअप किया हुआ है, ठीक है, तो उन सभी फाइल को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो अभी हमने ये सभी फाइल को यहाँ पे बैकअप करके डाउनलोड किया था। इस सभी फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये सभी फाइल को यहाँ पे हम इंस्टॉल होने देते हैं, अपलोड होने देते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये जो पूरा यहाँ पे प्लगइन हमारा प्लगइन थीम जितना भी था यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो इसे हम एक बार यहाँ पे करेंगे रीस्टोर, ठीक है। रीस्टोर करने के बाद मेक श्योर करें कि ये सारे चेकबॉक्स आपका यहाँ पे इनेबल हो, ठीक है। तो इसे सभी को चेकबॉक्स करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे चेक रहने देना है और यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे समय लेगा और कुछ ही समय में आपका वेबसाइट यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे रीस्टोर कर देगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है यहाँ पे रीस्टोर का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चालू है और ये इस वेबसाइट को रीस्टोर कर रहा है और ये पूरा यहाँ पे रीस्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो यहाँ पे हम रिटर्न और अपडाफ्ट कॉन्फ़िगरेशन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अब जो है यहाँ पे हमसे इसका आईडी पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कौन सा आईडी पासवर्ड काम करेगा, यहाँ पे आपका जो है ये जो जहाँ से आपने बैकअप लिया था, जिस साइट से आपने यहाँ पे बैकअप लिया था उसी साइट का आपको वहाँ पे आपका एडमिन आईडी पासवर्ड काम करेगा, ठीक है। तो अभी मेरा ये आईडी पासवर्ड है तो हम इसी आईडी पासवर्ड को यहाँ पे हम ओपन यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो ये हमारा आईडी पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया है और देन उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये साइट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और हमारा जो यह है यहाँ पे पूरी फुल्ली यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप अभी इस तरह से अपनी वेबसाइट का बैकअप लेकर के अपनी वेबसाइट का माइग्रेशन कर सकते हैं या फिर इसे इंस्टॉल या फिर रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।